वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरबाणी सीखिए। इस प्रोग्राम नू देख रही समूह सिख संगतां नू अज मैं उस अस्थान दे दर्शन कराने जा रहा जी, जेड़ा अस्थान मैं समझदा भी किसी बहुत ही जान पछाण दा मुहताज नहीं आ, क्योंकि अज मैं जम्मू कश्मीर की धरती से इतने गुरमत प्रचार की सेवा वास्ते पहुँचा सी। जिस अस्थान के उत्ते अज मैं बैठा होया, ये अस्थान जिहड़ा इस जम्मू के बहुत ही रूहानी रूह जिहड़ी आ सत्कारयोग संत बाबा सुंदर सिंह जी अली बेगवाल, उन्होंने याद के जिहड़ा अस्थान है जिदा जिस अस्थान के तुसी दर्शन कर रहे हो, ये अस्थान उन्होंने वरसोया होया उन्होंने याद के विच, अते उन्होंने ही चरण सेवक बाबा रेखी इंदर सिंह जी वह भी इसे ही अस्थान के उत्ते, उन्होंने भी बहुत लम्मा समा जिहड़ा वह गुरमत का प्रचार किया। मेरे सन्मुख जिहड़े आ इस अस्थान ते एज अ प्रबंधक जिहड़े सेवा निभा रहे आ वह सारे सज्जन अति सत्कारयोग इत्थे इस समय मेरे नाल वो बैठे हुए आ। सरदार कबीर सिंह जी, आप जी संगत दे नाल चानना पाओ कि जिहड़े बाबा सुंदर सिंह जी अली बेग वाले हुए आ उन्हां दे जीवन इतिहास विचों कुछ संखेप कुछ घटना उन्हां दे जीवन इतिहास की। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाणी दे विच धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच कबीर साहब जी के बचन हैं, कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुकत का संत जपावै ना। प्रोफेसर साहब, जिथों तक दे साडे जाति, मेरे जाति जीवन का सवाल है, मेरा तो जन्म ही 47 तो बाद चो होया, ते संत जी महाराज तो 1943 दे विच 25 दिसंबर 1943 के जी संसार की यात्रा जी है वो पूरी चलके निरंकार के दर के पहुँची सत। पर जो साढ़े बजुर्गों पालों को मास्टर शैबर सिंह जी जे हाई स्कूल उत्थे सी उस वेले, उन्होंने जी किताब उन्होंने लिखी है बाबा जी के बारे, उन्होंने जीवनी के बारे, वो जो असी पढ़ी तो बजुर्गों के कोलों उन्होंने जीवन के बारे सुनिया, तो यह महसूस किया कि जो नक्शा कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने एक गुरु के सिख का साढ़े सामने लिया, जो गुरमत सिद्धांत असी ये पढ़ते हैं कि सानू गुरु का हुक्म की है, तो जदों बाबा जी का असी जीवन देखते हाँ तो हर उस पढ़ने ते सुनने वाला जिहड़ा है वो ये महसूस करता है। फिर उन्होंने जीवन के जिहड़ियां गाथावां हन जां कुछ ऐसियां घटनावां हन जदों असी ये सुनते हाँ कि संगतां जदों बचपन के विच ही उन्होंने कोल आउंदियां सन तो उन्होंने कहिंदियां सन महाराज सानूं नाम जिहड़ा है उसकी दात बख्शो, तो उन्हां दा कहना सी कि नाम केवल तो गुरु महाराज की हजूरी दे विच पांच सिंह जिहड़े हन उही दे सकते हैं, ये गुरु का हुक्म है। अपने आप कोई कितना महान क्यों ना होवे, नाम जिहड़ा है दात नहीं दे सकता। फिर गुरु नानक पातशाह की 11वें अंश दे विच सन, तो गुरु नानक पातशाह का जो मैसेज सी संसार नूं, सभे सांझी वाल सदाएं कोई ना दिसै, इस पहाड़े इन्हों पहाड़ों के बचपन के ही उन्होंने ये कहते सन, क्योंकि उन्होंने पिता जी तो उन्होंने जन्म तो पहला ही उस संसार से जोड़ा है वो त्याग चुके सन, माता जी ने उन्होंने पालना पोसना या उन्होंने ताया बिशन सिंह जी और आदि परिवार के जोड़े सन, उन्होंने तड़प देख के भई हर वेले ही उस अकाल पुरख वाहिगुरु के सिमरन के नाल ही जां पाठ पूजा इस किस्म का उस ही लगे रहते हैं। तो 8-9 साल की अवस्था के आनंद साहब जी तो पंजों बाणियों के आनंद साहब का पाठ करना, तो जदों
फिर आनंद साहब की ग्यारहवीं पौड़ी दे उते पहुँचना कि ये मन प्यारिया तू सदा सच संभाले ये कुटुंब तू जो देखता चले नहीं तेरे नाल तो फिर रुक जाना उन्होंने ते के घंटे इसे पानी जिहड़ी पौड़ी नूं बार बार रिपीट करना तो मन दे विच वैराग आ गया कि क्यों ना जीवन जिहड़ा है वह समर्पित किया जाए गुरु नूं ते अपना जो क्योंकि उन्होंने जिहड़ी पैदाइश सी वह कोटली बाबा फकीर सिंह जी पिता जवाहर सिंह जी दे घर ते माता भागवंती जी दी कुखों उन्होंने जन्म होया सी तो एक रात नू माता जी दे परिक्रमा लैके तो उन्होंने घर नू त्याग दिता अते चले चले ये अखनूर जिथे अज उन्होंने याद के बीच गुरुद्वारा साहब शोभत हैं दरिया चनाब के कंढे दे इत्थे उन्होंने लगभग 6-7 साल जिहड़ी है वो बड़ी कड़ी उन्होंने मतलब सवेरे 3 बजे उठ के इनान करके दरिया के कंढे ते उत्थे उन्होंने पत्थर के उत्ते 11 बजे तक तो ये अली बेग जिहड़ा उन्होंने नाम के नाल जुड़िया एक्चुअली अली बेग ये मुसलमान सिपाही सी जिहड़ा उस इलाके दे विचों मालिया अगवाई करता सी ये बड़ी लंबी कहानी है कि मैं उस पासे नहीं जाऊँगा उस थान के उत्ते फिर उन्होंने गुरुद्वारा बनाया ये वाल संत जी महाराज उत्थे टिके उतों फिर दिवाली के उत्ते दरबार साहब अमृतसर के दर्शन करन वास्ते गए उतों फिर बनारस चले गए बनारस दे कोटे भुचाल आया अते पिछा पहाड़ जिहड़े फटे तो उस वेले फिर उत्थे सेवा चले गए उत्थे जिहड़े महापुरुष ने कोई मठ बाबा अपने भाई गुरदास जी का उन्होंने कोलों उन्होंने संथिया वगैरह लई सारा पूरा वापस आए एक दफा संगत ने बूढ़ी पिंड का जगह का नाम बूढ़ी पिंड उत्थे गए संगत ने बेनती की महाराज पाठ रखाना है जदों बाबा जी रात में चले गए उन्होंने देखा कि जो सत्कार धन धन गुरु ग्रंथ साहब का होना चाहिए वो नहीं हो रहा तो वह अमृत वेले संगत हाली सुतिया हुई सन तो वह उतों निकल गए संगत बड़ी परेशान हो गई फिर जदों उन्होंने भाल की बाबा जी किधर चल गए साढ़े को अभिग्या हो गई है तो बाबा जी ने कहा कि जिहड़ा गुरु का सत्कार नहीं करता उसने सिख का सत्कार की करना उन्होंने खेवा मंगी पुल अपनी उन्हें कहा साड़ी पुल है जिहड़े बख्शाओ उन्हें कहा गुरु महाराज के चरणों में अरदास करो गुरु के लिए अपना आप समर्पित करो जो गुरु का हुक्म है उस अनुसार अपना जो जीवन है उसनों टल सात संगत जी प्रिंसीपल जी होना ने जिहड़ा उन्होंने दसिया एक संखेप दे विच जिहड़ी हिस्ट्री आ बाबा सुंदर सिंह जी अली बेग वालियां दी वी किस ढंग तरीके दे नाल उन्होंने बचपन तो ही जिहड़ी उन्होंने अंदर एक लगन सी अकाल पुरख परमेश्वर दे नाम दी उस लगन दे नाल जुड़ के ते फिर इस जिस स्थान दे उत्ते अज असीं बैठे आ नौशहरे दी धरती ते इस अस्थान तो फिर उन्होंने शुरुआत की भी गुरमत दे प्रचार की तो जिहड़ी प्रिंसीपल जी उन्होंने एक नाल गल कही भी जिहड़े बाबा सुंदर सिंह जी होए ने अली बेग वाले ये गुरु नानक पातशाह दी अंश वंश विचों ने 11वीं वंश दे विचों ते ये बड़ी वड्डी गल आ इस तो इत्थों पता लगता है भी जिहड़ा उन्होंने कोल गुरमत का ज्ञान सी वो कोई गुरमत का ज्ञान कोई बाहरी ज्ञान नहीं बल्कि वह गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह दया दियां सिख्यावां उन्हां दी बाणी जिहड़ी बाणी दे अनुसार उन्होंने अपने जीवन दे विच कर्म कमाए क्योंकि प्रिंसीपल जी गल कर रहे सी वी जदों संगतां उन्हां दे कोलों नाम दी दात मंगदियां कि सानूं नाम दे दिओ नाम दी जाचना करदे ते ओह एक गल कहिंदे वी नाम दा दाता मैं नहीं हाँ नाम दा दाता वा गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जानी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन अमृतमयी बाणी नूं उन्हां दा समुच्चा जिहड़ा जीवन सी समर्पित सी ते गुरबाणी का ही उन्होंने प्रचार किया सारी जिंदगी हुण मैं साडे अति सत्कारयोग सरदार हरमिंदर सिंह जी जो जम्मू पुलिस दे विच बतौर एज आ DSP सेवा निभा रहे आ कम कर रहे आ अते इस अस्थान दे भी जिहड़े आ ओ प्रबंधकां दे विचों जनरल सैकटरी की जिहड़ी आ ओ सेवा निभा रहे आ मैं उन्हां दे कोल ए पुछना चाहांगा भी ये जिहड़ा अस्थान आ DSP साहिब
भी बाबा सुंदर सिंह जी अली बेग उन्हां दी याद नूं वरसोया होया स्थान आते। इस अस्थान ते जिहड़े तुसीं प्रोग्राम उलीकदे हो, समागम उलीकदे हो, पूरे साल दे विच ओह किस ढंग दे प्रोग्राम तुसीं उलीकदे हो जिहदे नाल गुरमत दा जिहड़ा प्रचार आ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਸੇਵਕ ਸਨ ਰਿਖੀ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਅਣਥੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਪੂਰਤਾ ਕੀਤੀ, ਆ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਭੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਉਹ ਰਿਖੀ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਯਾਦ ਹਨ। ਦਿਨੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਗਮ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਖੁਦ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਚੇਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪਰਪੱਕ ਹੈ, ਉਹ 1 ਚੇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਸਰਤਾਂ, ਗੱਤਕਾਬਾਜ਼ੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਥਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੱਤਕਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਬੇਗ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਔਰ ਦਾਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ, 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫ ਏ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅਫਸਰ ਬਣੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੁਰਬਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਰਕਲ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਛਠੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ ਝੰਗੜ ਤੋਂ ਇਸ ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
और रजौरी होंदे होए मुगल रोड के राही शोपियां ते बारामूला, शोपियां तो बाद श्रीनगर काठी दरवाजा छठी पातशाही पहुँचे। उस तो बाद बारामूला उड़ी तो मुजफ्फराबाद के होंदे वापस चले गए। ये रूट जो मुगल रोड है छठी पातशाही का चरण छो है। नौशहरा धरती जड़ी है छठी पातशाही मीरी पीरी के मालक तन तन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का चरण छो धरती। इतने उन्होंने जो प्रकाश गुरपुरब है छठी पातशाही गुरद्वारा इस संस्थान के नाल ही लगता है, मनाया जाता है, बड़े धूमधाम नाल संगत मना। बाबा सुंदर सिंह जी का जो सालाना याद है वो नवंबर महीने तो लैके दसंबर 25 दिसंबर जो सब तो वड्डा दीवान इत्थे होंदे हन और लगभग संगतां पूरे जम्मू कश्मीर विचों आ के इत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा नमस्तक हो के अखंड पाठ साहिब रखवाउंदे हन अते बहुत वड्डा दीवान 25 दिसंबर नूं सजदे हन। उन्हां दा सालाना याद जो है इस स्थान ते 25 दिसंबर नूं मनाई जांदी है। अते इस इलाके विच इक होर वड्डी जो शहीदगढ़ किला दरहाल है आप जी उत्थे दा इतिहास जदों कबायली आ गए 6 महीने घेरा पिया रहा इस इलाके दे सिंघां ने मिल के सिंगड़ियां ने दस्तारां सजा के उन्हां कबायलियां दा 6 महीने तक डट के मुकाबला किया क्योंकि हिंदुस्तान की जो इंडियन आर्मी सी वो बाद बड़ी देर बाद आई अते कुछ शहीदियां साड़ियां हो गई उस करके ही शहीदां दी याद विच शहीदगढ़ किला दरहाल नाम रख्या गया। उत्थे भी हर साल समागम होंदे हन शहीदां दी याद विच अते मैनू माण प्राप्त है कि जिथे शहीदां दी धरती है जिथे गुरु हरगोबिंद साहिब जी की चरण छोह प्राप्त है जिथे संतां दा यह स्थान है असी वड़पागे हाँ असी उस दर ते सेवा निभा रहे हाँ। गुरु महाराज कृपा करन इस तरह ही सेवा लेंदे रहन जी। साडे अति सत्कारयोग सरदार हरमिंदर सिंह जी DSP जी उन्होंने अपने बड़े ही सोहणे विचार जिहड़े आ संगतां दे सन्मुख रखे आ ते नालों नाल संगतां नूं इह वी दसना कीता वी संत बाबा सुंदर सिंह जी दे इस अस्थान दे उत्ते गुरमत दा सिखी दा ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਉਸਾਰੀ ਆ ਉਹ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਉਸਾਰੀ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਰੇਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਉਸਾਰੀ ਉਹ ਕੌਣ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਤੋ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੇਖ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਰਮਨੀਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋ ਇਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਤੋ ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਓ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਰਮਨੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ 2 ਅਗਸਤ 1983 ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹ ਦੇ ਨਿਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਇਹ ਅਸੀਂ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੋ ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ
2000 तक बराबर उन्होंने संपर्क भी चले जिते भी हो पंजाब के भी चेवन आवन संगत इतों हम आ के जान बेनती करन। तो 20 मार्च 2000 नौशहरा विखे उस स्थान जो मीर पीर का मलक है उसका उन्होंने नींव पत्र रखे। तो ये 25 दिसंबर बाबा जी की बरसी के उ 2007 ये नींव पत्थर रख्या गया जिस दे विच अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब मौजूद सन, सिंह साहब, ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी विदांती, फिर कारुत सेवा वाले जोड़े मुखी सन इतों के हेड ग्रंथी, तो इन्होंने मिल के जोड़े से इतने की नींव पत्थर रखी। तो ये जिक्र किया है सकत्र साहब ने किला दरहाल का, शहीदगढ़ किला दरहाल। मैं ये बेनती करा कि अगर जो इतने शहीदगढ़ किला दरहाल विखे जदों ये कबायलियों ने हमला किया तो सिंह जी अगर शहादतां ना उस वक्त उत्थे आदियाँ जा डट के मुकाबला ना करते, जथेदार राम सिंह जी, फिर सूबेदार रणजीत सिंह जी रैबरी के बिच जितने भी एक सर्विसमैन सन जां होर जितने भी सारे नूं इकट्ठा करके, तो शायद ये जड़ा अज ये बाउंड्री है ये ना बनती। तो डट के उन्होंने अपनी जान का दी परवाह नहीं की, शहादतां दित्तियां। तो जिस तरह कह रहे सन हरमिंदर सिंह जी कि इतों बीबियां जिहड़ियां हन वो भी मर्दाना कपड़े पा के बकायदा कबायलियों का मुकाबला किया। तो ये एक संखेप दे विच, क्योंकि जिस वेले भी गल करो ये 1947 तो लैके आज तक बड़ी लंबी चौड़ी गल है, ना लैन लगो तो तुसी ना ही नहीं लै सकते इतने समय सारे ते। तो बहरहाल ये कुछ सी जो झलक वो तुहाडी सिख नूं देखदे होए आ असीं तुहाडे सामने रखी है। तो साध संगत जी, बाबा सुंदर सिंह जी अली बेग वाले जिहड़ा जो वो अपने टाइम दे विच अपने समय दे विच जो इत्थे वो सिक्खी प्रचार दा जिहड़ा जो उन्होंने काम किया अते जो सिक्खी दा बूटा इस सर जमीन ते वो ला के गए, अज बहुत ही वड्डे पद्धर दे उत्ते इत्थे वो सिक्खी दी महक जिहड़ी आ वो फैली हुई आ। तो इस ये उही जम्मू कश्मीर की धरती है जिहदे बारे DSP साहब, प्रिंसीपल साहब उन्होंने जिक्र किया भी इत्थे गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह उन्होंने भी इस जड़ा नौशहरे की धरती ते जम्मू बारामूला तक उन्होंने महाराज जी ने इत्थे चरण पाए आ। उन्होंने नाल नाल श्रीनगर की धरती ते जगत गुरु गुरु नानक पातशाह जी उन्होंने भी अपने चरण पाए आ। ब्रह्मदास नूं जिहड़ा वा उन्होंने सिक्खी का पाठ पढ़ाया सी, गुरमत का उपदेश दृढ़ कराया सी। सो अज एक संखेप जे प्रोग्राम दे विच जिहड़ा है मैं कोशिश की आ भी, क्योंकि मैं इस अस्थान के उत्ते पहुँचया होया सी भी ये जिहड़ा अस्थान आ एक अपने आप दे विच एक बड़ी वड्डी महत्ता रखदा वा। इस अस्थान तो बहुत लंबा समा जिहड़ा रेखी बाबा रेखी जी इंद्र सिंह जी उन्होंने ते बाबा सुंदर सिंह जी उन्होंने अते उन्हां दे अगे जिन्हें भी सेवक होए आ उन्होंने आपो अपने समय दे विच सिक्खी का प्रचार किया पूरे जम्मू कश्मीर दे विच अते जम्मू कश्मीर तो बाहर भी। तो साध संगत जी ये सारा प्रोग्राम ये सारा जिहड़ा इत्थे दा इतिहास आते इस स्थान दे जिहड़े दर्शन आ वो मैं आप जी नूं करवाउण दा यतन कीता, कोशिश कीती आ। तो मैं आप समूह संगत नूं बेनती करना चाहांगा भी इस प्रोग्राम नूं, अज दे इस प्रोग्राम नूं, खास इस प्रोग्राम नूं वध तों वध सिख संगतां दे नाल शेयर जरूर करो ता जो इस अस्थान की जिहड़ी महत्ता वा जिथे किथे भी कोई गुरु नानक नाम लेवा संगत बैठी आ देश विच प्रदेश विच उन्हां तक जिहड़े है इस अस्थान की महत्ता जिहड़े इतिहास जिहड़ा है उन्हां तक जरूर पहुँचना चाहीदा है। तो आप सारिया सिख संगतां दा तहे दिलों धन्नवाद। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।